तो ये काफ़ी टेक्निकल टॉपिक है, आप लोग वीडियो प्लीज़ स्किप मत करो, जिसको भी इंटरेस्ट है इस चीज़ों में तो आपको पूरा मतलब देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो तिथला रॉक लूज झाला, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। सुबह के बज के 5 और हम लोग निकल पड़े हैं और एक एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए। मैं जा रहा हूँ माचिस घाट के पास एक सीक्रेट वाटरफॉल रैपलिंग के लिए, तो मिलते हैं वहीं पे। अभी मैं खिरेश्वर विलेज के पास पहुंच चुका हूं। ये पिंपड़गांव जोग डैम है। पानी का लेवल इतना नहीं दिख रहा है बिकॉज मानसून जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो यहां पे पानी ना ये पूरा भरा हुआ रहता है। कभी कभी तो मैं यहां पे जस्ट ऐसे ही फोटोग्राफी करने आ जाता हूं। और हम लोग ये माचिस घाट वाला रोड इधर से आए हैं और इधर है खिरेश्वर विलेज, वो है हमारा व्हीकल, इसमें हम लोग आए हैं यहाँ पर। अभी हम लोग पहुँच गए यहाँ पे विलेज खिरेश्वर, इट्स 9:10। अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम है, हम लोग अभी करते हैं ब्रेकफास्ट यहाँ पर। ओके, अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोगों को जाना है वो वाला पहाड़ चढ़ के उस वाटरफॉल के ऊपर, तो वहाँ से फिर हम लोग नीचे आई थिंक वो मिडल वाले पैच तक रैपलिंग करेंगे और फिर वहाँ से ट्रेक करके वापस आएंगे। तो अभी इट्स लाइक एक घंटे का ट्रेक होगा और ये है काफ़ी ब्यूटीफुल खिरेश्वर विलेज। ये हमारा ट्रेक स्टार्ट हो गया है, कोई इलाज नहीं है दूसरा दोस्तों, ऐसे ही चलना है, ऐसे मेरे शूज पूरे इस मिट्टी के अंदर धंस रहे हैं। तो अभी बाकी के ट्रेकर मंडली मेरे पीछे आ रहे हैं, तो हमारे लीडर्स जो हैं वो आगे चल रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, ऐसा देखो कैसे हरे भरे खेत है काइंड ऑफ, और आई थिंक ये जो है ना इधर साइड में ये राइस है। हाँ, यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे राइस की फसल काफ़ी उगती है। अभी ना जंगल वाला पैच हो गया चालू, थोड़ा सा स्टीप वाला सेक्शन, वाटरफॉल दिख रहा है पीछे आप देख सकते हो, और काफ़ी डेंस वाला है ये जंगल भी। हरिश्चंद्रगढ़ वाली ट्रैक करते टाइम पे अभी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस साइड के माउंटेन पे जाऊँगा वाटरफॉल रैपलिंग के लिए। चढ़ाई हो गई है शुरू, अब बारिश का पानी कौन सा है और पसीना कौन सा है पता ही नहीं चल रहा है। स्टीप वाला सेक्शन है, देख सकते हो ये देखो ऐसी है चढ़ाई। सह्याद्री के मानसून में अगर ट्रैक करना है तो आपके शूज़ 200% रिलायबल होने चाहिए, और रीज़न आप देख ही सकते हो, ये स्लिपरी रॉक्स। मैं सह्याद्री में CTR कोस्टर ही यूज़ करता हूँ, नहीं नहीं कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ओके। CTR कोस्टर शूज़ का मैंने एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाया है, उसका लिंक ऊपर आई कार्ड में दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। ये 5-10 मिनट का रॉक सेक्शन स्टीप है और ज़रा रिस्की भी है, तो यहाँ से हम लोग बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ऊपर जा रहे हैं।
ये डॉक्टर सचिन है, कैमरा होल्ड करने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ये रॉक पैच ज़रा ज़्यादा ही रिस्की है। और ये हमारे लीड माउंटेनियर मिस्टर सूरज निवास है। यस, इसी में आता है काम, सिटी आर कोस्टर एंटी स्किड। भाई स्लीपर ही है भाई, ये एकदम आराम से नहीं नहीं कासव नहीं जमल जुगाड़ यस जमवलं। अच्छा जुगाड़ जमला है आपला, वर पोचायचा। हमारे जवान थक चुके हैं। उधर सेटअप किलो होता है। अभी हम लोग ना एक मस्त वाले प्लेटू पे पहुंच गए। अभी इधर साइड में पूरा ये प्लेटू है और इधर साइड में देखो, इधर साइड में ये पूरा नीचे का व्यू दिखता है। देखो आपको खेत वगैरह दिख रहे होंगे, गांव पार्किंग दिख रहा होगा। ओह माय गॉड, इधर वाली साइड में देखो क्या जबरदस्त व्यू है। ये देखो ये वाले, आई थिंक वो जो है पता नहीं टोलार खिंड के ऊपर वाला पैच है क्या, आई डोंट नो, लग तो ऐसे ही रहा है। और हम फाइनली पहुंच गए हैं पॉइंट पे। सी कितना सुंदर पानी बह रहा है यहाँ से, और ऊपर देखो पीछे वो पता नहीं ये टोलार खिंड का पैच है का है, टोलार खिंड वाला। हाँ ये इधर साइड में है टोलार खिंड वाला पैच, और इधर साइड में है हरिश्चंद्रगढ़। पीछे पॉक से आई डोंट नो दिख रहा होगा कि एडिटिंग में देखता हूँ कुछ स्काई क्लियर होता है तो, बट गाइस रियली अमेजिंग। अभी सबसे पहले सूरज दादा रोप को अनकॉइल कर रहे हैं, और अपना बेस कौन सा रहेगा, नेचुरल वाला ये रॉक ओके, ये बड़ा रॉक रहेगा हमारा, ये बेस और ये वाला पेड़ एज अ बैकअप, ये दो हमारे नेचुरल बेसिस होंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग इसको कैसे बेस बनाते हैं। तो ये काफ़ी टेक्निकल टॉपिक है, आप लोग वीडियो प्लीज़ स्किप मत करो। जिसको भी इंटरेस्ट है इस चीज़ों में तो आपको पूरा मतलब देखने को मिलेगा इस वीडियो में। बेस साठी असे डबल चालू घ्यायचा रोपचा, म्हणजे तेवढी सेफ्टी मजबूत होते। येस, त्यासाठी ज्या नॉट वापरले जातात फ्लो हिच, ब्लो लाईन, गो लाईन, ह्या नॉट वापरून आपण बेस बनवू शकतो। ओके ओके ओके। आणि फिगर जर बोल्ट वगैरे असेल तर फिगर ऑफ एट पण आपण मारून बेस बनवू शकतो। ओके ओके। पण आता आपण क्लो हिच वाला बेस बनवणार आहे। चलो देखते अभी। डबल सेफ्टी का मीनिंग ये है कि इस रोप को ऑलरेडी इन लोगों ने दो इसमें पेयर्स में ले लिया, एक रोप को डबल पेयर में, अगर एक रोप फेल होती है तो दूसरी ओर दूसरी रोप टेक ओवर कर लेगी। इस वीडियो को एज अ इन्फॉर्मेशन वीडियो ही लेना आप लोगों ने, इसे अकेले में या घर पर कभी ट्राई मत करना। ऐसी एक्टिविटीज ओनली एंड ओनली सर्टिफाइड माउंटेनियर के सुपरविजन में ही की जाती है, ये हमेशा याद रखना। सेकंड राउंड, मतलब देखो बेस को ही चार पेयर में डिवाइड हो गया है, क्योंकि ये रोप नीचे से गया है, एक पेयर ऊपर से है, और अभी देखो क्या। माउंटेनियरिंग में बहुत सारी नॉट्स एंड हिचेस यूज होती है, काफ़ी सारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स भी होते हैं। मैं धीरे धीरे इन सब का डिटेल्स अपने चैनल पर डालने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन प्रेस करके रखो, इससे आपको मेरे कंटेंट का नोटिफिकेशन आएगा और मुझे मोटिवेशन आएगा। ये इस टेक्निकल एक्टिविटी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप रैपलिंग के लिए एक मजबूत बेस बनाओ। उसके लिए सूरज दादा ने ये जो नेचुरल वाला रॉक सिलेक्ट किया है, ये काफ़ी भारी भरकम वाला रॉक है, ये 10 लोगों से भी हिलने वाला नहीं है। और अभी ये जो नॉट्स लगा रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट नॉट्स है रैपलिंग के लिए, इसीलिए ये मैं कम्प्लीटली दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ आपको। शायद आपको बोर लगेगा बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉट्स है। क्लोइज नॉट को सिक्योर करने के लिए सूरज दादा उस पर सेफ्टी नॉट लगा रहे हैं, और वो जो रिमेनिंग वाला रोप है उसको पीछे और पेड़ को जाके
उसको और फिर से टाई करेंगे। अभी बेस का एक साइड रेडी हो गया है, अब इन पेड़ों की मदद से बेस का सेकंड पॉइंट बिल्ड होने वाला है। सेकंड बेस पॉइंट क्रिएट करने का रीज़न ये होता है, लोड एक ही पॉइंट पे नहीं आएगा, दोनों ही पॉइंट पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड पॉइंट को भी क्लोइज लगा के बिल्ड किया जा रहा है। दोनों इकड़े वेट डिवाइडेड झालेला आहे। ये इससे क्या होता है कि वेट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर फॉल होता है कुछ होता है तो एक ही अपने बेस पॉइंट पे प्रेशर नहीं आएगा, दोनों पॉइंट पे बराबर से वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैमरामैन चेतन के साथ सूरज निवासे और लिविंग द एडवेंचर टीम गिरीश वाटर सीक्रेट वाटरफॉल बाकी एमएम से 12 एमएम से 12 एमएम का स्टैटिक ग्रुप है। स्टैटिक ग्रुप 12 एमएम आपलं रॅपलिंगसाठी स्टॅटिक रोप यूज केला जातो आणि क्लाइम्बिंगसाठी डायनॅमिक। अब यहां पर दो कैराबिनर की हेल्प से एक 12 एमएम का स्टैटिक रोप आगे एक्सटेंड किया जा रहा है, जिस पर रैपलिंग का सेटअप आगे लगेगा। सूरज दादा पहन रहे हार्नेस। आप लोग सोच रहे होंगे अगर सूरज दादा ऊपर है ये रैपलिंग नहीं करेंगे, हम लोग को नीचे छोड़ेंगे, तो ये हार्नेस क्यों पहन रहे हैं? वो खुद को सेफ्टी एंकर से अटैच करेंगे, उसके बाद ही आगे का सब कुछ चालू होगा। क्योंकि अगर उनका फॉल होता है तो राइट, तो उनको एक सेल्फ एंकर के लिए वो खुद को सिक्योर करने के लिए हार्नेस पहन रहे हैं और वो खुद को एक पॉइंट से अटैच रखेंगे कंटिन्यूसली जाएंगे। राइट चेतन दादा, ये बिले रोप है ना, ये बिले रोप है, इसको ऑन कॉइल कर रहे हैं। ये देखो ये कितना 8 एमएम राइट 8 एमएम का रोप है और ये भी स्टैटिक रोप है। तो सूरज दादा ने मुझे बताया कि रैपलिंग के लिए स्टैटिक रोप यूज़ होता है और जब क्लाइंबिंग होता है तब डायनेमिक। बिकॉज डायनेमिक क्यों होता है यूज़, जब फॉल होता है क्लाइंबर का तो वो उसका जो जर्क है वो डायनेमिक रोप एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी डायनेमिक रोप की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है फॉल के ड्यूरेशन में। और स्टैटिक रोप जो है वो रैपलिंग में कुछ ऐसा फॉल होने वाला नहीं है, बिले रहता है और सब कुछ कंट्रोल रहता है, तो इसीलिए स्टैटिक रोप होता है। चलो दूसरी जगह कुछ तो इम्पोर्टेंट चल रहा है, वहाँ देखते हैं। जो 12 एमएम का ब्लू वाला केबल बेस पॉइंट से एक्सटेंड होकर यहाँ पर आया है, सूरज दादा ने इस पर एक डबल फिगर ऑफ एट लगाया है। इसमें अभी लगेंगे दो कैराबिनर और फिर उस पर लगेगा रैपलिंग का रोप। अभी रैपलिंग के रोप पे भी दो पॉइंट क्रिएट किए हैं दो कैराबिनर्स लगा के, तो एक जो होगा वो रैपल डाउन करने के लिए होगा एक्चुअल रोप, और दूसरा जो कैराबिनर है उस पर होगा बिले सिस्टम। अभी सूरज दादा ने खुद को सेल्फ एंकर कर लिया है। हम लोगों को बोला गया है ये ब्लैक वाले रोप से दूर हटो, क्योंकि वो इतने स्पीड से नीचे जाएगा अगर उसमें पैर अटकता है ना तो हम लोग रोप के साथ नीचे गिर सकते हैं। अभी ले तो रोप आता, ये बिले वाला रोप है। अभी देखो बिले कैसे बिले सिस्टम कैसे बिल्ड होता है वो देखते हैं अभी। और रोप सोडून आपण येता दादा फिगर ऑफ एट मारणार आहोत। बिले सिस्टम मीन्स एक ग्रीन वाला रोप जो रैपल कर रहा है उससे बंधा होगा और उसका कंट्रोल ऊपर सूरज दादा के हाथ में होगा। अगर गलती से रैपलिंग करने वाले बंदे का कंट्रोल अगर रोप से छूटता है तो सूरज दादा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलर जैसा देखो रैपलिंग के जो रैपलिंग वाला कैंडिडेट है उसको जैसे फिगर ऑफ एट और वो कैराबिनर में से रोप पास किया ना डिसेंडर में से, सेम बिले के लिए भी पास करते हैं। तर मित्रांनो सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे रॅपलिंग करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, दोन्ही पायामध्ये अंतर ठेवायचं, आपल्या शोल्डर पेक्षा जास्त अंतर ठेवायचं आणि वेट मागे द्यायचं। ठीक आहे, वेट मागे दिल्यानंतर तुमचं संतुलन काय आहे, बॅलन्स 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 समजलं ना, रोप फील्ड करायचा एक हाताने चैतन्य चाललंय, तू पहिल्यांदा रोप सगळा फ्री करून घ्यायला खाली जाऊन खाली जाऊन आणि खाली रोप पकडून थांबणार, मग त्यानंतर आपण रॅपलिंग चालू करणार। ओके ओके, सो दादा गेलेत पहिले वरून तोडतोय हे असं बिले मी लॉक केला। ओके दोन्ही हात सोडले चैतन्य दादानी, बघा चैतन्य दादानी ते बिले म्हणजे किती सिक्युअर सिस्टम आहे। दादा दादा मागे दादा मागे या डॉक्टर दादा।
नेमका आला आता. अपन एकदम फुल फॉर्म में रैपलिंग के लिए रेडी हो गए, लेकिन अगले कुछ सेकंड में अपनी हवा निकलने वाली थी, अपने को पता ही नहीं था. आगे देखो क्या हुआ. हाँ चलते आराम, कोई प्रॉब्लम नहीं. यस यस यस. तो तिथला रॉक लूज झाला. ठीक आहे, ऑल गुड. सोडले. हा रोप ट्विस्ट झाला का? ठीक आहे, ओके. हा 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 निघाला रॉक. हा आहे ना इथला निघाला रॉक. यस हो. यस 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 ओके. चलो सारे नॉट्स कैराबिनर्स रीचेक करके कंफर्म करके वापस से मैंने रैपलिंग स्टार्ट किया. दो मिनट के लिए तो भाई जान ही निकल गई थी मेरी, लिटरली जान निकल गई थी. गाइस देखो ये है ओवरहैंग. वाओ उधर पंछियों के अंडे हैं इसके इसमें. ठीक है, थोड़ा ओवरहैंग पोर्शन है बट इट्स ओके. थोड़ा मेरा बैलेंस चला गया था बट दैट इज द इनिशियल स्टेप एंड दैट वाज परफेक्टली फाइन. हाँ
अरे नहीं, मैं ऊपर गिर गया था, ऊपर गिर गया था मैं, मेरे पैर के पीछे का नीचे का एक रॉक निकल गया था, वो बैलेंस गया था मेरा। गाइस मैं आ गया नीचे रैपल डाउन करके, बट इनिशियली ना मेरे पैर के नीचे का एक रॉक जो है वो लूज रॉक नीचे गिर गया, तो मेरा थोड़ा बैलेंस चला गया था। बट हाँ, थोड़ा तो मतलब जान तो निकल ही जाती है, बट इट्स ओके, मैं आ गया सही से। अभी यहाँ पे हमारा पूरा ग्रुप ये हो जाएगा, गैदर हो जाएगा सारे रैपल करके, और फिर हम लोग नीचे जाएंगे विलेज की तरफ, वहाँ पे हम लोग लंच वगैरह करेंगे। गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में।